नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 2 दिसंबर। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। कोरोना गाइडलाइन में मिली छूट का दायरा हुआ कम। बिहार में जमीन खरीद बिक्री के नियम में हुआ बड़ा बदलाव। बिहार के हजारों घरों को मिलेगा सरकार का तोहफा। बिहार के 5 मेडिकल कॉलेज में दिसंबर 2022 तक बनेंगे सुपर स्पेशलिटी अस्पताल। सौरभ गांगुली ने टीम इंडिया के साउथ अफ्रीका दौरे पर दिया अपडेट। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। कोरोना गाइडलाइन में मिली छूट का दायरा हुआ कम। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन पहले ही कह चुका है कि दक्षिण पूर्व एशियाई देशों को निगरानी बढ़ाने की पहल शुरू करनी चाहिए, स्वास्थ्य और सामाजिक उपायों को मजबूत करना चाहिए और टीकाकरण को भी बढ़ाना होगा। बिहार में भी इस नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए बड़ा फैसला बीते दिन लिया गया है। सरकार द्वारा फिर से सख्ती बढ़ा दी गई है। बिहार में प्रभावी अनलॉक की मियाद अगले 15 दिनों के लिए फिर से बढ़ाई गई है। इस आदेश के तहत पहले की तरह दुकानों और प्रतिष्ठानों में मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्था रखनी होगी। सभी स्कूल और शिक्षण संस्थान पहले की तरह खुले रहेंगे। शारीरिक दूरी का पालन करना होगा। विवाह और शादी समारोह में कोविड-19 के प्रोटोकॉल को अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। बिहार में जमीन खरीद बिक्री के नियम में हुआ बड़ा बदलाव। बिहार में दाखिल खारिज की अर्जी में जमीन के हिस्से के नक्शे को शामिल करने की अनिवार्यता का कानून तैयार कर लिया गया है। बिहार राज्य दाखिल खारिज विधेयक 2021 को विधानसभा ने मंजूरी दे दी है। विधान परिषद और राज्यपाल की मंजूरी के बाद यह कानून का रूप लेगा। इसको पेश करते हुए राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री राम सूरत कुमार ने कहा है कि नए कानून से जमीन की खरीद बिक्री में फर्जीवाड़ा पर रोक लगेगी, हिंसक वारदात भी कम होंगे। हालांकि इस विधेयक पर विपक्ष ने संशोधन की बात कही थी, जिसको की ध्वनिमत से खारिज कर दिया गया है। वहीं पास किए गए विधेयक के अनुसार दाखिल खारिज के समय दस्तावेज के साथ जमीन के उस हिस्से का भी नक्शा अब जुड़ जाएगा जिसकी खरीद बिक्री हुई है, उस पर ही जमीन के बदले स्वरूप की चौहद्दी दर्ज होगी। बिहार लोअर डिवीजन क्लर्क भर्ती परीक्षा की जारी हुई तारीख। बिहार लोक सेवा आयोग BPSC ने लोअर डिवीजन क्लर्क भर्ती परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर दिया है, जिसके अनुसार पदों पर भर्ती के लिए 27 फरवरी 2022 को परीक्षा आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर डिटेल चेक कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बिहार लोक सेवा आयोग ने 19 मार्च 2021 को भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू की थी, जिसके लिए उम्मीदवारों को 16 अप्रैल 2021 तक का समय दिया गया था। आयोग भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से कुल 24 पद भरेगा। सदन का तीसरा दिन भी रहा हंगामेदार। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र का इन दिनों आयोजन किया जा रहा है, वहीं हर दिन के साथ सत्र और ज्यादा हंगामेदार होते जा रहा है। इसी कड़ी में बीते दिन हुए सदन में भी खूब हंगामा हुआ। सदन के शुरू होने से पहले विधानसभा परिसर में विपक्षी विधायकों ने प्रदर्शन किया। हाथों में तख्तियां लेकर विपक्षी विधायकों ने प्रदर्शन किया और बीते दिन सभी विभागों ने 100% ऑनलाइन जवाब भी दिया। विधानसभा अध्यक्ष ने विपक्ष के कार्यस्थगन प्रस्ताव को अस्वीकृत किया। वहीं दूसरी तरफ विधान परिषद में शराबबंदी को लेकर राजद ने कार्यस्थगन प्रस्ताव लाया। सभापति ने राजद के कार्यस्थगन प्रस्ताव को नामंजूर किया, जिसके बाद दोनों सदनों की कार्यवाही गुरुवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। बिहार में बंद होगी ऐसी मंडी और दुकानें। कोरोना के रोकथाम को लेकर बिहार में नए नियम बनाए गए हैं। वैसे तो बिहार में संक्रमितों की संख्या अभी कम है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका में मिले नए वेरिएंट ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। इसीलिए बिहार में भी अलर्ट मोड ऑन है, जिसके तहत ही बिहार सरकार ने यह साफ कर दिया है कि कोरोना के रोकथाम के लिए बनाए गए नए नियमों का पालन नहीं होने पर मंडी और दुकानों को अस्थायी तौर पर बंद कर दिया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। यानी कि अब दुकानों और मंडियों में कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई गई तो जिला प्रशासन उन्हें अस्थायी तौर पर बंद करने के साथ ही अन्य सख्त कार्रवाई भी कर सकता है। आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में अनलॉक 10 में लिए गए फैसले में इसका भी निर्णय लिया गया है। रेलवे ने गुड्स कार्ट के पद पर निकाली रिक्तियां। दक्षिण पूर्व रेलवे ने गुड्स कार्ट के 520 पदों पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री का होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 23 दिसंबर 2021 तक आधिकारिक वेबसाइट www.rrcser.co.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। बिहार के हजारों घरों को मिलेगा सरकार का तोहफा। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत निर्मित 12,352 आवासीय इकाइयों का निर्माण पूरा हो गया है। मिली जानकारी के अनुसार अब सीएम नीतीश खुद ही लाभार्थियों को इसकी चाबी सौंपने वाले हैं। इसके अलावा सीएम नीतीश की तरफ से दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत कुल 479 स्वयं सहायता समूहों के बीच 5.81 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया जाएगा। इतना ही नहीं, सीएम नीतीश और भी अलग अलग योजनाओं की चाबी बिहारवासियों को सौंपने वाले हैं। हाईवे की सूरत सुधारेगी नीतीश सरकार।
बिहार के 5 स्टेट हाईवे को सवारने की जिम्मेदारी अब नीतीश सरकार उठाने वाली है, जिसके तहत इन सड़कों का निर्माण अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर किया जाएगा। जानकारों की माने तो सड़क निर्माण में कुल मिलाकर 2680 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना है। इसको लेकर बिहार सरकार एशियन डेवलपमेंट बैंक से कर्ज लेगी। सबसे खास बात यह है कि इसके लिए बिहार राज्य पथ विकास निगम और ATB के बीच में कर्ज पर सहमति भी बन गई है। ज्ञात हो जिन सड़कों का उन्नयन होना है उनमें NH 95 है जो मानसी सिमरी बख्तियारपुर पथ है, वहीं SH 95 है जो मानसी सिमरी बख्तियारपुर पथ है, वहीं SH 98 कटिहार बलरामपुर, SH 99 बायसी बहादुरगंज दिग्घल बैंक पथ, SH 101 अम्बादेव मदनपुर, SH 103 मंझवे गोविंदपुर और SH 105 बेतिया नरकटियागंज पथ का नाम शामिल है। प्रदेश में अभी जारी रहेगा पछुआ हवा का प्रवाह। प्रदेश में अगले 24 घंटे के दौरान पछुआ और उत्तर पछुआ हवा चलेगी, जिसके प्रभाव से तापमान में आंशिक गिरावट होने का पूर्वानुमान है। मौसम शुष्क होने के साथ ही हल्के और मध्यम स्तर का कोहरा भी छाया रह सकता है। मौसम विज्ञानियों की माने तो प्रदेश में अभी पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को नहीं मिल रहा है, जिसके कारण कड़ाके की ठंड नहीं पड़ रही है। हालांकि आज धूप खिले रहने का पूर्वानुमान भी लगाया गया है। वहीं बीते 24 घंटे की बात करें तो इस दौरान प्रदेश का मौसम शुष्क बना रहा। इसके साथ ही न्यूनतम तापमान में आंशिक गिरावट दर्ज की गई है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो आज पटना, गया, पूर्णिया में कुहासा देखने को मिल सकता है। बिहार के 5 मेडिकल कॉलेज में दिसंबर 2022 तक बनेंगे सुपर स्पेशलिटी अस्पताल। बिहार के 5 मेडिकल कॉलेज में दिसंबर 2022 तक 1009 बेड के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल तैयार हो जाएंगे, जिसकी जानकारी राज्यसभा में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने दी है। वो सांसद सुशील कुमार मोदी के सवाल का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के चरण 3 के तहत दरभंगा और मुजफ्फरपुर और चौथे चरण में गया, भागलपुर और पटना में मौजूदा सरकारी मेडिकल कॉलेज के उन्नयन की मंजूरी दे दी गई है। इन सभी में 1009 सुपर स्पेशलिटी बेडों के अस्पताल को तैयार करने के लिए 900 करोड़ की लागत आएगी। 22 साल की मुखिया बनी आकांक्षा। बिहार में इंदिरो पंचायत चुनाव जारी है और बुधवार को 9वें चरण के मतदान के मतों की गिनती हो रही थी। ऐसे में जैसे जैसे परिणाम सामने आ रहे थे, उसके साथ ही उम्मीदवारों के चेहरे पर खुशी और निराशा साफ तौर पर देखने को मिल रही थी। इस पंचायत चुनाव में खगड़िया की रहने वाली आकांक्षा ने अपने पिता का सपना पूरा करने का काम किया है। 22 साल की आकांक्षा अपने पंचायत की मुखिया बनी है। बता दें कि आकांक्षा BPSC की तैयारी कर रही थी। उसकी इच्छा थी कि वो एक अधिकारी बने, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। आकांक्षा ने खगड़िया जिले के मिधौना पंचायत से 2806 मतों से जीतने में वो कामयाब रही। बता दें कि उनके पिता भाकपा नेता जगदीश चंद्र बसु 4 बार मुखिया रहे थे और इसी दौरान उनकी जान ले ली गई थी। घर बैठे बैठे आधार से UAN को करें लिंक। आधार नंबर से यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी कि UAN को लिंक करना अनिवार्य हो गया है। ऐसे में अब आप घर बैठे बैठे आसानी से अपने आधार को UAN से लिंक कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले यूनिफाइड पोर्टल -mem.epfindia.gov.in पर जाएं, UAN और पासवर्ड डालकर अकाउंट लॉगिन करें। इसके बाद मैनेज टैब में KYC ऑप्शन पर क्लिक करें। अगर आप आधार नंबर नहीं डालना चाहते हैं तो वर्चुअल ID नंबर डाल सकते हैं। फिर आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन के लिए अप्रूवल देना होगा। इसके बाद सेव बटन पर क्लिक करना होगा। अप्रूव किए जाने के बाद उपलब्ध कराए गए डेटा को UIDAI के डेटा से वेरीफाई किया जाएगा। EPFO से अप्रूवल मिलने के साथ ही आधार आपके PF खाते से जुड़ जाएगा और आपको अपने आधार की सारी जानकारी सामने वेरीफाई करने का मौका मिलेगा। इस प्रोसेस को फॉलो करके आप आसानी से UAN को आधार से लिंक करने का काम कर सकते हैं। बिहार में यहां खुला देश का पहला ज्योतिष चिकित्सा केंद्र। ज्योतिष विज्ञान में रुचि रखने वाले बिहारवासियों के लिए खुशखबरी, देश का पहला ज्योतिष चिकित्सा केंद्र बिहार के दरभंगा जिले में खुल गया है, जहां मरीजों की बीमारी की पहचान पैथोलॉजी रिपोर्ट और एक्सरे देखकर नहीं बल्कि उसकी जन्म कुंडली, हस्तरेखा और राशिफल देख के विशेषज्ञ करते हैं। मरीजों के ग्रह नक्षत्रों की बारीकी से देखकर उसका मिलान किया जाता है और फिर बीमारी की पहचान की जाती है। इसके बाद मरीज को दवा के बदले मंत्र जाप के साथ उपासना और आराधना के अलावा ग्रह नक्षत्र को रत्न धारण करवाकर मरीजों का उपचार किया जाता है। मरीज भी अपना इलाज कराने के लिए अब यहां पहुंच रहे हैं। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है, ऐसे मरीजों से ज्योतिषाचार्य मरीज की जन्म तिथि और जन्म स्थल की जानकारी लेकर खुद कुंडली बनाने का काम कर रहे हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज में आशुलिपिकों की होगी नियुक्ति। बिहार के सभी इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेज में आशुलिपिकों और आशुटंकिकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। विज्ञान एवं प्रावैधिक विभाग ने इसकी नियुक्ति के लिए नियमावली जारी कर दी है। इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है, जिसके बाद ही अब सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से नियुक्ति की अधियाचना राज्य कर्मचारी चयन आयोग को भेजी जाएगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि आशुलिपिकों की नियुक्ति लिखित परीक्षा के आधार पर होगी। परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम और प्राप्तांकों का निर्धारण विभाग के परामर्श से आयोग करेगा।
विभाग से मिली जानकारी के अनुसार इंजीनियरिंग कॉलेज में आशुलिपिक आशु टंकक के 63 पद हैं। ये सभी पद रिक्त हैं। वहीं पॉलिटेक्निक कॉलेज में भी इनके पदों का सृजन किया जाएगा। 3 साल में पूरा होगा विशेष सर्वेक्षण। विधान परिषद में बीते दिन राजस्व मंत्री राम सूरत कुमार ने कहा है कि कोर्ट के आदेश पर 4 जिलों के 39 अंचलों में चकबंदी का काम चल रहा है। 20 जिलों में सर्वे का काम भी चल रहा है। उम्मीद है कि 3 साल में सर्वे का काम पूरा हो जाने पर चकबंदी का काम नए सिरे से शुरू होगा। कोरोना के कारण विशेष सर्वे के काम की गति थोड़ी जरूर धीमी पड़ गई है, लेकिन अब सब ठीक हो गया है। कर्मियों की कमी भी दूर हो गई है, लिहाजा 3 साल में विशेष सर्वे का काम पूरा हो जाएगा। चकबंदी राज्य के पहले चरण में पुराने शाहबाद के 38 अंचलों के साथ गोपालगंज के एक अंचल में चल रही है। की समस्या की समझ नहीं सरकार को। किसानों के नाम पर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने अब तक कई बार सरकार का घेराव किया है। इसी बीच बीते दिन एक बार फिर से राजद सुप्रीमो ने किसानों का नाम लेकर सरकार को घेरा है, जिसके तहत राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने अपना बयान जारी करते हुए कहा कि डबल इंजन सरकार के ट्रबलधारी रहनुमाओं, बिहार में कम से कम किसानों की तो दुर्दशा को जानिए, पहचानिए और समझिए। सरकार को किसानों की मूल समस्या की जानकारी ही नहीं है। समस्याओं को दूर करने की बात तो अलग है। ट्वीट के माध्यम से बुधवार को लालू प्रसाद ने कहा कि किसानों की समस्या के निराकरण के लिए सरकार के पास ना तो समझ है और ना ही इच्छा शक्ति। मंत्री के बचाव में उतरे सीएम नीतीश। बीते दिन बिहार विधानसभा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना का मुद्दा जोर शोर से उठाया गया। इस दौरान पूर्व मंत्री नीतीश मिश्र ने सरकार पर ग्रामीण कार्य विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठाया, जिसके जवाब में सीएम नीतीश खुद ही ग्रामीण कार्य मंत्री जयंत राज का बचाव करते हुए नजर आए, जिसके तहत उन्होंने नीतीश मिश्रा से सीएम नीतीश ने कहा कि आप भी मंत्री रह चुके हैं और इस सवाल को भी उठा रहे हैं, सबसे ज्यादा देर भाषण भी दिए, आप ही ग्रामीण कार्य मंत्री को बता दीजिए आपके समय में क्या होता था। सीएम नीतीश ने कहा कि अगर किसी योजना को बिना टेंडर शिलान्यास कराया गया तो उसकी सूचना जरूर दे दी जाएगी, अगर किसी विभाग ने ऐसा किया तो उससे जरूर पूछताछ भी की जाएगी। भड़काने का काम कर रही है कांग्रेस। देश भर में किसान कृषि कानून को लेकर विवाद जारी रखे हुए हैं। संसद में विपक्षी सांसदों के हंगामे के बीच अब कृषि कानून निरस्त विधेयक भी पारित हो गया है, लेकिन किसान अभी आंदोलन पर बैठे हैं और कांग्रेस पार्टी ने सरकार पर दबाव बनाया हुआ है, जिसके बाद भाजपा ने भी कांग्रेस का घेराव किया है। इसको लेकर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि विपक्ष कृषि कानून पर बेवजह राजनीति कर रही है, केंद्र सरकार ने कानून को वापस ले लिया है, जिसके बाद इस पर बात करने का कोई मतलब नहीं है। मुख्यमंत्री को है सीखने की जरूरत। इन दिनों विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है, वहीं विधानसभा में शराब की बोतल मिलने के साथ ही राजनीतिक हंगामा शुरू हो गया है। इसके बाद सीएम नीतीश कुमार ने जांच के सख्त आदेश भी जारी किए हैं। हालांकि एक बार तेजस्वी ने मुख्यमंत्री पर फिर से निशाना साधा है। साथ ही तेजस्वी ने सीएम नीतीश द्वारा चिट्ठी नहीं पहुंचने की बात पर भी जवाब दिया है और कहा कि मुख्यमंत्री जी के कई लेयर्स हैं, फिर भी हम रिसीव करवा के पोस्ट करते हैं। हमारा घर तो मुख्यमंत्री के घर से 2 मिनट की दूरी पर है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मुख्यमंत्री जी का वेरीफाइड अकाउंट है, उसमें भी हम उनको टैग कर देते हैं ताकि उनको इधर से भी मिले और उधर से भी मिले, लेकिन ये जानकारी मुख्यमंत्री जी को नहीं होगी। आजकल के जमाने में इन सब चीजों से मुख्यमंत्री जी को अवगत होना पड़ेगा, उन्हें सीखने की बेहद जरूरत है। सीबीएसई 10वीं और 12वीं के प्राइवेट परीक्षार्थी अब भरे फॉर्म। 10वीं और 12वीं की परीक्षा में शामिल होने वाले प्राइवेट परीक्षार्थियों के लिए अहम सूचना। सीबीएसई ने 12वीं के बाद अब 10वीं के प्राइवेट परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा फॉर्म भरने की तारीख जारी कर दी है। छात्र 2 दिसंबर यानी कि आज से परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। अगर छात्र बिना विलंब शुल्क के फॉर्म भरना चाहते हैं तो 2 से 20 दिसंबर तक परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। वहीं 21 से 30 दिसंबर तक विलंब शुल्क के साथ परीक्षा फॉर्म भरा जाएगा। बोर्ड की माने तो 5 विषयों के लिए परीक्षा शुल्क 1500 देना होगा, वहीं अतिरिक्त विषय के लिए प्रति विषय 300 रूपए देना होगा। विलंब शुल्क के तौर पर 2000 रूपए प्रति परीक्षार्थी देने होंगे। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी 1911 में भारत आने वाले ब्रिटेन के पहले राजा रानी बने। उनके बंबई आगमन की याद में ही गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया। पौंडीचेरी में 1942 में श्री अरविंदो आश्रम स्कूल की स्थापना हुई, जिसके बाद से ही श्री अरविंदो इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एजुकेशन के नाम से जाना गया। भारत में 1999 में बीमा क्षेत्र में निजी क्षेत्र के निवेश को मंजूरी मिली। विश्वनाथ प्रताप सिंह 1989 में देश के 7वें प्रधानमंत्री बने। पंजाब नेशनल बैंक ने 2008 में FCNR ब्याज दरों में कटौती की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष NG चंद्रवर्कर का जन्म 1855 में आज के दिन हुआ। भारत के प्रमुख शिक्षा शास्त्री गुरुदास बैनर्जी का निधन 1918 में आज के दिन हुआ था। आज के दिन को अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस और अंतर्राष्ट्रीय कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। सौरभ गांगुली ने
टीम इंडिया के साउथ अफ्रीका दौरे पर दिया अपडेट। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने कहा कि फिलहाल दक्षिण अफ्रीका दौरा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होगा और कोविड-19 के नए वेरिएंट के सामने आने से जुड़ी स्थिति पर वो करीब से नजर रखे हुए हैं। कोविड-19 के नए वेरिएंट के फैलने को लेकर चिंता बढ़ रही है, जिसका नाम ओमिक्रॉन है। इसका पहला मामला दक्षिण अफ्रीका में सामने आया है। गांगुली ने यहां एक प्रचार कार्यक्रम के दौरान कहा कि अब तक की स्थिति के अनुसार दौरा होगा। हमारे पास फैसला करने के लिए अभी समय है। पहला टेस्ट 17 दिसंबर से होगा। हम इस पर विचार जरूर करेंगे। जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 1 दिसंबर को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 46,050 रुपए था, वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 49,300 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 61,700 रुपए था। इसके साथ ही राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 105.90 रुपए प्रति लीटर और डीजल के दाम 91.09 रुपए प्रति लीटर थे। आंख की रोशनी खोने वालों से मिलने पहुंचे पप्पू यादव। हाल ही में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। मोतियाबिंद का मुफ्त में इलाज करवाना करीब करीब 65 लोगों को भारी पड़ा। इनमें से अब तक 15 लोगों की आंखें निकाली जा चुकी हैं, वहीं और भी लोगों की आंखों का यही हाल होने का अनुमान है, जिसके बाद बीते दिन इन पीड़ितों से मिलने जा प्रमुख पप्पू यादव भी पहुंचे। आई हॉस्पिटल में मोतियाबिंद की सर्जरी के दौरान अपनी आंख गंवाने वाले लोगों से मुलाकात की, साथ ही पीड़ितों को अपनी तरफ से आर्थिक मदद भी दी। वहीं पप्पू यादव ने इस मौके पर नीतीश सरकार की जमकर लताड़ लगाई और कहा कि बिहार में ऐसे फर्जी नर्सिंग होम और करप्ट हॉस्पिटल की भरमार है। मैंने इसके खिलाफ लड़ाई शुरू की थी, लेकिन सरकार में बैठे लोगों की सांठगांठ से यह पूरा धंधा चल रहा है। बिहार के सिर्फ एक ही जिले में मिला कोविड पॉजिटिव। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 2 मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 31 पर पहुंच गई है। उसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो राजधानी पटना में केवल 2 मामले की पुष्टि हुई है। इसके अलावा किसी भी जिले में एक भी मरीज की पुष्टि नहीं हुई है। वहीं बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 158,585 सैंपल की जांच की गई, वहीं इस दौरान 6 मरीज ठीक होकर घर वापस लौटे हैं। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जो यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है शंकर मुखिया, गौतम कुमार, नीतीश कुमार, अनुज कुमार, दिवाकर कुमार, महेश दास, विकास कुमार यादव, विकास कुमार सिंह, आतिक खान, मनीष मोहरा, प्रमोद कुमार, रमाकांत कुमार, नीतीश कुशवाहा, महासेठ, रंजीत प्रसाद, संजीत कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार महिलाओं की सुरक्षा में बिहार सरकार ने सराहनीय कदम उठाया है या नहीं। अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।